पर्चा देना होगा, कभी कभी भूमिहीनों को पर्चा देना होगा, पर्चा वाली जमीन पर पर्चाधारी को दखल कब्जा दिलाना होगा, पर्चा वाली जमीन पर सभी पर्चाधारी को दखल कब्जा दिलाना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जिंदाबाद, कितना मान ही जिंदाबाद, किशन पटेल जिंदाबाद, कितना मान ही मत घबराना, कितना मान ही मत घबराना, किशन पटेल मत घबराना, किशन पटेल मत घबराना, कलरिया गरीबों एक हो, होगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। इनकलाब जिंदाबाद, खगड़िया डीएम मुर्दाबाद, खगड़िया डीएम मुर्दाबाद, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, इनकलाब जिंदाबाद, खगड़िया प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सभी गरीब भूमिहीनों को पर्चा देना होगा, सभी पर्चाधारी को पर्चा वाली जमीन पर दखल कब्जा दिलाना होगा, सभी गैर मजरुआ आम खास भूअल बंदी जमीन जमाबंदी रद्द करना होगा, गैर मजरुआ खास आम भूअल बंदी सिली गैस वाली जमीन का जमाबंदी रद्द करना होगा, सभी गरीबों को पर्चा देना होगा, बकाया राशि का भुगतान करना होगा, शौचालय निर्माण करने वाले बकाया राशि का भुगतान लाभार्थी को करना होगा, अरे बागमती नदी के कटाव से मधुरा को बचाना होगा, बागमती नदी के कटाव से मधुरा को बचाना होगा। आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज जी, खगड़िया समाहरणालय के समक्ष आम के समर्थकों द्वारा 12 सूत्री मांगों को लेकर आम के जिला अध्यक्ष संजय यादव से कुछ वार्ता करते हैं, बताएं इस संबंध में आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि वर्ष 1973-74 से सरकार द्वारा गरीबों को पर्चा दिया गया और आज तक 95% पर्चाधारी को पर्चा वाली जमीन पर दखल कब्जा नहीं दिलाया गया। हजारों गरीब परिवार है, चाहे वो दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, अल्पसंख्यक परिवार के लोग हैं, वो जमीन पर जो है दखलकार हैं, लेकिन दखल कब्जा वाली जमीन का पर्चा उनको नहीं मिला। हजारों ऐसे परिवार हैं जिनको रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, जीविकोपार्जन के लिए कोई ठिकाना नहीं है, उनको पर्चा देने के लिए हम लोग 12 सूत्री मांग के समर्थन में यहाँ आए हुए हैं। और हम लोगों का कहना है कि जिले में हजारों वृद्धा पेंशन धारी है जिसको पेंशन मिलता था, लेकिन किसी कागज के कमी की वजह से 2-3 साल से पैसा नहीं मिल रहा है, उनके राशि बकाए राशि को भुगतान करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। फिर हम लोगों का कहना है खगड़िया के जस्ट बगल में रहमपुर मध्य, रहमपुर उत्तर, रहमपुर दक्षिण का जो 11 भाग है, जब खगड़िया जिला का नाक है, खगड़िया जिला का मुख्यालय है, लेकिन आजादी के 71-72 साल बीत जाने के बाद भी वहाँ सड़क नसीब वहाँ के लोग नहीं देखा है, और खगड़िया के जनप्रतिनिधि अपने आप को कहते हैं हम विकास पुत्र हैं। इन्हीं सवालों को लेकर हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के साथी वो अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगी तब तक ये अनशन जारी रहे। डीएम से इस संबंध में वार्ता हुई है आपकी? डीएम साहब से इस संबंध में वार्ता हुई, डीएम साहब कहे कि हमको 1 महीना का समय दीजिए। हमने डीएम साहब को कहा कि सर आप बहुत जिला अध्यक्ष, बहुत पार्टी के नेता को देखे होंगे, हम आपसे समझौता नहीं करेंगे, हमारी जनता आपसे समझौता करेगी, और अभी तत्काल जो आपके जिम्मे की बात है, जिसको आपने पर्चा दिया है, जिस पर्चाधारी के पक्ष में भूमि उपसमाहर्ता खगड़िया DCLR जजमेंट दिए हैं, वैसे पर्चाधारी को पर्चा वाली जमीन पर दखल दिलाइए। और जो बरसों से जमीन का जो है जमीन पर रह रहा है, जमीन का जोत बाप कर रहा है, वह जमीन गैर मजरुआ खास, गैर मजरुआ आम, भू हदबंदी, चिलिंग एक्ट की जमीन है, उस जमीन का जो है इनको पर्चा दीजिए। जब तक
बचे हुए लोगों को, दखल कब्जा वाले लोगों को पर्चा नहीं दीजिएगा, पर्चा वाले लोगों को पर्चा वाली जमीन पर दखल कब्जा नहीं दिलाइएगा, तब तक हम आपका बात मानने के लिए तैयार नहीं। चलिए अब चलते हैं महादलित महादलित विकास समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सदा। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार सदा। किस लिए यहाँ बैठे हुए हैं? देखिए, बिहार में एक कानून बनना था कि जितने भूमिहीन है वो किसी भी जाति के हो, अल्पसंख्यक हो, महादलित हो, दलित हो, सबको बसने का, बसने के लिए जो है सो निहायत सरकार जमीन देगी। 5-5 डिसमिल जमीन देने की नीतीश कुमार ने भी घोषणा किया था, उसमें भी हम उन्हीं के पार्टी में थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। महादलित विकास मिशन बना, महादलित आयोग बना, महादलित आयोग ने भी इस सिफारिश की। सक्सेना, इससे पहले सक्सेना कमेटी की रिपोर्ट बनी थी, सामाजिक अनुसंधान केंद्र के जो हमारे एक कमेटी बना था केवी सक्सेना के अगुवाई में, उसने भी अनुशंसा किया कि बिहार में बहुत ऐसे दलित महादलित के और अत्यंत पिछड़ा अल्पसंख्यक के लोग हैं जिन्हें बसने की भी जमीन नहीं है। आज स्थिति ये है कि, और आप जानते हैं, मीडिया का लोग जानता है, जिला प्रशासन जानता है, महादलित विकास मंच आज से नहीं बहुत दिन से लड़ाई लड़ रही है। तो हमने देखा कि हम के लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो महादलित विकास मंच इसके साथ है, कदम से कदम और ताल से ताल मिला करके हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। और ये एक जगह की मामला नहीं है, जिला में हम कितना गिनावे, ये बगल आपका खगड़िया जहां हम बैठे हुए हैं, यहां से 3 किलोमीटर कोठिया है, पर्चा बन गया, वहां गैर बजरुआ आम जमीन है, आज तक पर्चा बन गया, बना रह गया, आज तक उस गरीब को नहीं मिला। सरकार कहती है कि हम पर्चा दे रहे हैं, जिनको पर्चा मिल गया है आज तक वहां खून हो रहा है, और खगड़िया कहता है नक्सली इलाका घोषित हो गया है, और खास करके यहां दलित और महादलित समुदाय के लोगों को नक्सली कह करके घसीटा जाता है। कौन पद पर है आप? महादलित विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष। दलित प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है सरोज कुमार। कौन पद पर है? मैं जिलाध्यक्ष हूँ दलित प्रकोष्ठ का। मेरा कहना है कि बिहार सरकार जो पैखाना का कार्यक्रम जो चालू की है, उसमें जितना भी गरीब लोग है, पैखाना उसको धमका करके, डरा करके जो बनवाया गया है, वो लोग जो कर्जा लेकर के 5% 10% कर्जा लेकर के पैखाना बना लिया है, उसको अभी तक राशि का भुगतान नहीं हुआ है, और जिसको भुगतान होता है वो दलालों के माध्यम से भुगतान हो रहा है। इस सरकार का कौन सा नीति है या डीएम का कौन सा नीति है, जो पैखाना बना लिया है उनको पैसा अभी तक भुगतान क्यों नहीं हो रहा है, इसका भी मुझे सरकार से एक जवाब चाहिए। आपका पंकज कुमार यादव, जिला प्रधान महासचिव हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर। हम लोग जो यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, इसमें एक मांग ये भी है कि सरकार अगर चाहेगा ना तो आज से 60 वर्ष पहले, 60 वर्ष जो आने वाला समय है, उसमें भी जो है सब आदमी को जमीन उपलब्ध कर सकता है, एक से एक गरीब को, कोई भी नहीं बचेगा बिना जमीन का। लेकिन उसका नियत साफ नहीं है, ना तो किसी भी राजनीतिक पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा छोड़ करके किसी भी राजनीतिक पार्टी का नियत साफ है। ऐसा मामला जो है सठवां में 7/7/2009 में 353 बीघा जमीन धार्मिक न्यास बोर्ड का है, उनके सेवायत द्वारा उस जमीन को 150 बीघा जमीन केवला कर दिया, रसीद कटवा दिया कर्मचारी सीओ डीएम सब मिल करके। बाद में जब इसका शिकायत हम लोग किए धार्मिक न्यास बोर्ड पटना में, पटना से डीएम को आदेश दिया, और डीएम जो है रजिस्ट्रार गोगरी रजिस्ट्रार खगड़िया दोनों को रजिस्ट्री पर रोक लगवाया, उसका पर्चा नहीं कट रहा, रजिस्ट्री पर रोक लगाया। इस प्रकार से जो है वो जमीन का एक साल नौ में रोक लगा, नौ वर्ष में प्रत्येक साल करोड़ों का इनकम है, और जमीन माफिया का दलाल जो है उनका फायदा उठा रहा है, और सरकार कह रहा हमारे पास जमीन नहीं है। कुर्बान पंचायत में खगड़िया जिला में सबसे ज्यादा महादलित गरीब गुरुआ अगर है तो कुर्बान पंचायत में है, और पूरा बेलदौर प्रखंड में जमीन गरीब गुरुआ को बसाने के लिए किसी प्रकार सरकार के पास कोई कमी है ही नहीं, सिर्फ नियत में कमी है, उसका नियत में खोट है।